तभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी में एक चर्चित यूट्यूबर कह सकते हैं योगेंद्र 3 फुट वाला, यानी कि योगेंद्र और पूजा 3 फुट वाला ऑफिशियल काफी ज्यादा वायरल है, क्योंकि सीतामढ़ी में हर जगह पर आपने देखा होगा, हर एक जगह पर इनका चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि इनका जो शादी हुआ, शादी के बाद जो है काफी लोग जो है इन्हें पसंद करने लगे, क्योंकि कद जो है काफी कम है, लोग जो है आपको तरह तरह से देखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? जो लोग पहले कितना ताना मारते थे, अब उतना ताना सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि वही ताना को अब हम मिट्टी में मिला चुके हैं, मिला करके मिट्टी को हीरा की तरह सोना बना चुके हैं, और उसी सोना को लेकर के आज हम पूरे विश्व में कमल के फूल की तरह खिल चुके हैं। अच्छा पूजा जी, आप जब छोटे थे, जब आप पढ़ाई लिखाई भी की स्कूल से, जब आप घर से बाहर निकल चुके, आपकी कद काफी कम है, 3 फुट के हैं, तो आपको लोग किस नजरिए से आपको देखते थे? सब देखते थे, देखकर खूब हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। क्या बोलते थे उस समय? बोलते थे कि ये इतना छोटी हार हो तो हार थी इसका, इधर कभी शादी नहीं, सब खुशी होते हैं, खुश है, इधर सब खुश है। अच्छा आप दोनों लोगों को मिलन कैसे हुआ? खास बात ये है कि आप दोनों लोग एक ही कद के हैं, क्योंकि दोनों लोग 3-3 फुट का है, तो आप दोनों लोगों के मिलन कैसे हुआ? पापा का जो दो दो दोस्त है ना, दो वो है ना फोटो लेकर आए थे, आप दोनों लोग मिल गए जी। अच्छा पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ आपका? मेरा 9th किए जी। तो आगे अभी आप लोग क्या करते हैं? अभी जो आपका शादी भी लगभग 1.5 साल होने वाला है, क्योंकि 14 महीना का तक हो गया, तो अभी आप क्या करते हैं? अभी ब्लॉग वीडियो बनाते हैं और शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग और शॉर्ट बनाते हैं जी। कैसा सपोर्ट मिलता है यूट्यूब या फेसबुक पे? बहुत ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है। अच्छा क्या कहेंगे, कैसा सपोर्ट मिलता है योगेंद्र? हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, सबका प्यार हद से ज्यादा मिलता है, और बोलते हैं कि योगेंद्र जी इससे भी ज्यादा बेहतरीन बनाइए और प्यार मिलेगा। बोले ठीक है भैया, आप लोग का प्यार दुलार चाहिए। तो बटन भी आ गया है। जी जी, सबका प्यार दुलार का भी फल मिला है। आगे क्या प्लानिंग है आप लोग? आप बच्चे भी हो गए, अब क्या करेंगे आगे? आगे क्या करेंगे, जो हम अपने YouTube चैनल पर चैनल बनाए हुए हैं 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऑफिशियल, उस चैनल पर जो अपने फैमिली ब्लॉग बनाते हैं और उस पर रील बनाते हैं, वो अब मेरा जो घर का जो रोजी रोटी चलेगा अब आने वाला समय में उसी से चलेगा, जो प्यार दुलार देगा उसी से चलेगा। अच्छा आप कद काफी कम है, 3 फुट का आपका कद है, तो लोग अगर आप घर से बाहर निकलते लोग किस क्या पुकारते क्या बोलते हैं आप लोग? इससे पहले तो बहुत बुरा नज़र से देखते थे, बहुत ताना मारते थे, मतलब पहले जो ताना मारते थे उस ताना को बहुत बर्दाश्त करते करते आज उस ताने को आज हम साबित करके दिखा दिए हैं जी। अच्छा सोशल मीडिया पर जब आप लाइव आते हैं, वीडियो डालते हैं, लोग कमेंट में क्या क्या लिखते हैं आप लोगों को? आज तक तो हम कमेंट में आज 100% में 99% कमेंट तो देखते हैं सही आता है, ऐसे एक का दुक्का जो लड़का देखते हैं तो गलत कमेंट करते रहता है, तो उसको हम समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, जो नहीं समझता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको जितने भी मेरे व्यूवर और सब्सक्राइबर जो उस लाइव में रहते उसी लोगों को हम कहते हैं देखे भैया यह कैसे कमेंट कर रहा है, सभी लोग आप लोग बोलिए, हम तो नहीं बोल सकते भैया, वही लोग उसको बोलते हैं तो साइड हो जाते हैं। जब आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद आप काफी संघर्ष किए, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं और संघर्ष किए, तो आगे जो आप लोग से जॉब भी कर सकते, क्योंकि आप बीए में भी पढ़ रहे हैं। देखिए अभी के डेट में जो 10 साल से देख रहे हैं जॉब, तो जॉब तो अभी के डेट में बिना पैसा पैसा को जॉब नहीं होने वाला है। अगर देखिए आज के डेट में सारा चीज ऑनलाइन हो चुका है, पहले जो ऑफलाइन था तो ऑफलाइन में चलिए भैया 10 रुपया या 50 रुपया 100 रुपया में फॉर्म भरा जाता था, अभी के डेट में 500 रुपया उसी को ऑनलाइन की फॉर्म भराता है ना, तो जिसके पास पैसा नहीं हो पैसा के लिए एक एक रुपया के लिए वो तरसता है। अच्छा आपकी कद काफी कम है, तो लोग होता है ना कि हाँ कद काफी कम, कभी आपको महसूस हुआ कि हमारी कद काफी कम है, क्या ऐसा कभी के लिए? कभी कभी वही ताना मारता था तो उस समय थोड़ा महसूस होता था, और अभी तो थोड़ा सा भी हमको महसूस नहीं होता, अभी तो सभी को लोग में सभी मतलब 200 लोग के बीच में जाते तो हद से ज्यादा ढेर सारा प्यार मिलता है, इसलिए अभी हमको कुछ महसूस नहीं होता है, जैसे सभी इंसान है उसी तरह हम भी अभी इंसान है। अच्छा ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई काम है जो हम सोचेंगे कि हमारे से नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा हाइट कम है, एज तो लगभग 30 साल का है, हाइट कम है तो कद कम है, तो कैसा है?
वही है कि हमसे बहुत भारी भरकम काम नहीं हो सकता है, बाकी बात जितने भी जो लिखा पढ़ी वाला काम है वो तो हो सकता है, हम कर लेंगे वो वाला काम। अच्छा, ब्लॉगिंग से पहले आप क्या सोचे थे, क्योंकि आपका जब शादी नहीं हुआ, शादी के बाद आप ब्लॉगिंग शुरुआत की है, शादी से पहले क्या सोचे थे, क्या प्लानिंग था? ब्लॉगिंग से पहले तो हम राजनीतिक में जुड़े थे और समाज सेवी थे और अपने जनता के बीच में रहते थे दिन रात और सभी जनता को काम कराते थे। तो वही जनता को काम कराते कराते एक मौका मिला तो हम एक वार्ड सदस्य का चुनाव का पर्चा भरे। उस पर्चा में अपने जो हासिल नहीं मिल पाया, हासिल नहीं मिलने के बाद भी तभी भी अपने हौसला को बुलंद रखे और बुलंद रखते हुए फिर जब शादी का टाइम आया तब हमको शादी हो गया तो हम तो काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। तो मैं सभी को जो मेरे चाहने वाले लोग और मीडिया बंधु सिस्टर बंधु सभी लोग राय दिए कि देखिए योगेंद्र जी आज तो हम आए हैं, आज तो हम आप घर पे आए, आपको वायरल करके न्यूज लेकर के चले जाएंगे मगर आपको क्या मिलेगा, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, आप क्या कीजिए कि आप एक अपने 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऐसा ही करके कुछ एक चैनल बनाइए। तो हम अपने भांजा से बात किए, भांजा मेरा एक चैनल खोल दिया 3 फुट वाला योगेंद्र पूजा ऑफिशियल, उस चैनल पर आज अपने सभी को प्यार दुलार से ब्लॉगिंग और रील्स बनाते हैं। प्रेरणा जो आपको मिला ब्लॉगिंग या वीडियो बनाने के, वो मीडिया कर्मी से ही मिला? जी जी। इसे प्लानिंग आप क्या सोचे थे जब आप जब उस समय? तो प्लानिंग तो कुछ नहीं सोचे थे क्योंकि शादी का उमंग था, उस समय हमको कुछ अच्छा चीज कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब इतना खुशी अंदर जो हो चुका था उस समय, खुशी से हम फले, मतलब जो कहावत है जो खुशी में रो नहीं पाता चाहे हंस नहीं पाता, वैसा उस समय हमको महसूस हो रहा था। कब शादी हुआ था? वही 20 नवंबर 2022 को हुआ था, पुनौरा धाम जहाँ पर जगत जानकी माँ का जन्म धरते वहाँ पर हुआ था। दोबारा भी शादी हुआ? जी, सरकार के नज़र में, सरकार बोले कि हमारे नज़र में आपका शादी नहीं हुआ है, तो फिर सरकार के नज़र में भी वही अप्रैल में 5 अप्रैल को फिर शादी किए कोर्ट में रजिस्ट्रार के सामने। तो फिर क्या कुछ पैसा उसे सरकार ने? तो फिर वही रजिस्ट्रार के तरफ से प्रमाण पत्र मिला दोनों को, हमको और पूजा जी को मिला प्रमाण पत्र। वही प्रमाण पत्र लेकर के जो अपना शादी का फॉर्म है पूरा फिलअप किए, फिलअप करके अपने बिहार के सीतामढ़ी जिला मुख्यालय में जमा किए और जमा वहां पर करने के बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है उसका। और गांव गांव समाज में तो सुनते थे कि योगेंद्र जी तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत धनी हो गया। धनी क्या, जो सरकार के घर में जो कानून होता है उस कानून को जो करने में आदमी को हालत खराब हो जाता है। तो अभी तक तो हमको अभी पैसा तो नहीं मिला है, आज न कल, वो जो कहावत है वो 3 साल तक मिलता है, अभी तो चेक भी नहीं मिला है कि हाँ चेक जिस दिन मिल जाएगा उस दिन से 3 साल गिनती चालू हो जाएगा, तो अभी तो कोई गिनती चालू नहीं है। क्या तो अभी तो 1 साल तो शादी हो गया, अभी 3 साल लगता है कि 3.5 साल लगता है, अभी कोई उसका कोई मोहताज नहीं है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया से मेरा परिवार, बच्चे भी हैं, एक हो गए हैं, बच्चा भी है लगभग 4-5 महीने का, क्या लगता है कि आपको सोशल मीडिया से परिवार चल जाएंगे? जी, अगर हम मेहनत करेंगे तो जरूर हमको विश्वास है कि चल जाएगा। सरकार से भी कुछ कहेंगे आप? जी, सरकार से क्या कहेंगे, सरकार तो हम बहुत कह चुके हैं, और जो बिहार में जो देखते हैं दिव्यांग हो तो दिव्यांग कैटेगोरी में हम दोनों आदमी आते हैं, हमको तो प्रमाण पत्र भी बना हुआ है 50% है, पूजा जी का 40% है, 40% और पूजा जी तो 9th पढ़ के छोड़ दिए और हम तो बीए करके छोड़ दिए हैं। पूजा जी, आप जब छोटे थे तब आपको कैसा लगता था जब आप घर से बाहर निकलते थे, लोग क्या कहते थे? जिनकी जगह पर यही बात बोलते थे, कोई छोटा है थे होगा कि नहीं होगा, कोई कोई ठिकाना नहीं है। आपके परिवार में कौन कौन थे? पापा, मम्मी, दादी, दादी, दादा, सब थे, भाई बहन सब। सबके हाइट आपकी जैसा है कि सब लंबे लंबे थे, सिर्फ हम हाइट में छोटे हो गए? आप छोटे हो गए। अच्छा, आप पढ़ाई भी किए हैं? जी किए हैं, नाइन्थ किए हैं। जब पढ़ने उड़ने जाते थे तो लोग क्या कहते थे आपको? बस स्कूल जाते थे ना तो मेरे फ्रेंड लोग नहीं चिढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो लोग चिढ़ाते थे। क्या कह के बुलाते थे? बोलते बनती बनती है, तेरी बनती है, इसका हाइट नहीं बढ़ेगा, इतना ही छोटी रहेगी, कैसे इसका शादी होगा। सब लोग अच्छे बच्चे लोग देख खूब हंसते थे, बुलाते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा। शादी होकर गई है कभी मायके अपने? जी गई। अब क्या कहते हैं लोग?
सब जाते हैं तो सब सेल्फी लेने लगते हैं। अब सब कैमरा के मुरीद हो गए, फोटो खिंचवाने के लिए मुरीद हो गए। अब उन लोगों को क्या कहेंगे आप जो चिढ़ाते थे, जो बच्चे थे। तो फोटो लेते थे, बहुत खुश होते सब देखते। खुश होते हाँ, घर में सब खुश हो, सब घर पे देखने भी आए थे बहुत। शादी में गए थे, शादी में। शादी में जाती है तो मतलब लोग लोग देखने के लिए आते हैं। तो मेरी बहन का शादी था ना, तो बहन को देखने में कोई नहीं जाते थे, घुमाती में थी तो सब हमें को देखने आते थे। मतलब जो जिसके शादी में तुम गई वो उसको नहीं देखते थे, लेकिन बात कर लेते हैं दुल्हनिया का कोई नहीं देखते, लेकिन आपको देखने सब आते थे। जी बोलती थी पूजा का गंदे जी का उसको दिखाएंगे, देखेंगे। अच्छा, पूजा जी को सब देखेंगे लेकिन दुल्हनिया को कोई नहीं, उसको तो बहन को कोई देखने नहीं जाता। शादी में तो काफी भीड़ भाड़ हो गए होंगे, आप गए होंगे। जी हम सिर्फ हम दोनों को देखने के लिए, खूब भीड़ हुआ था, हो गया था, खुद भीड़ हो गया। जी फिर आप लोग कैसे वहाँ पर मैनेज किए, शादी का दिन था आप लोग कैसे मैनेज किए वहाँ पर, कैसे क्या हुआ? उतना तो नहीं पता है। शादी हो गया, फिर शादी के बाद घर यहाँ आए, तो यहाँ का परिवार, यहाँ का जो सासू माँ है वो लोग कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों को? सासू माँ तो बेटी से बढ़कर बहुत ज्यादा मानती है। मानती है जी। अच्छा, आप क्या आगे क्या कर रहे हैं, बच्चे हो गए अब क्या कर रहे हैं आप? अभी तो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग वीडियो बनाते हैं। ऐसे मन लगता है वीडियो बनाने में? बहुत ज्यादा मन लगता है। तो लोग भी आते हैं आप लोगों को मिलने के लिए घर पे? जी आते हैं मिलने। क्या कहते हैं लोग आते हैं मिलने को? सब फोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, जाते हैं। महीने में कितने लोग आ जाते हैं वीडियो बनाने आपसे? उतना अच्छी नहीं है, गिनती नहीं है। गिनती नहीं है, रोज दो चार लोग आ ही जाते हैं। जी सबको मैनेज कर लेते हैं। जी ये तो कुछ नहीं, शादी के टाइम जो आते थे वो सारा मैनेज हो गया तो नहीं अभी क्या? अब शादी के टाइम में जो आते थे वो तो सारा मैनेज कर लिए, एक दिन में 50-50 आदमी आते थे, सारे को मैनेज। दिन में 50 लोग वीडियो बनाने के लिए? जी 4 बजे सुबह से कतार में लाइन लगते थे, 8 बजे रात तक कर। जी सभी को मैनेज कर लिया, अभी तो 2-4 आ रहा है, तभी भी मेहनत होते जा रहा है। अच्छा, आपको कैसा लगता है, जैसे कि आप बड़े हो गए, आप बच्चे हो गए, तो आपको कैसा फील होता है इस लाइन में वीडियो में आने के बाद? आपकी तो पूरा रौनक ही बदल गया होगा। बहुत खुशी मिलती है। खुशी मिलती है बहुत ज्यादा। तो देख सकते हैं योगेंद्र और पूजा थे और दोनों लोग जो है शादी के बंधन में बंध गए हैं, लगभग 14 महीना हो गया है। लोग जो है काफी पसंद करते हैं, क्योंकि ये अब जानते हैं कि बौना बौनी लोग चिढ़ाते हैं, बहुत सारा जगह पर जो है